हेलो फ्रेंड्स, आई स्वाति मंडवारिया वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एसडीएम वेज फूडीज। आप सभी को हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं रबड़ी मालपुआ। ये जो मालपुआ हम बना रहे हैं, ये विशेष तौर पर हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मालपुआ को बनाना। मालपुआ बनाने के लिए हमने ये लिया है 1 कप गेहूं का आटा। मालपुआ हम जो है आज गेहूं के आटे से बना रहे हैं। इसे आप मैदे से भी बना सकते हैं या आधा आटा और आधा मैदा लेकर भी उससे बनाया जा सकता है, पर ये गेहूं के आटे से भी बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए बनते हैं। ये लिया है हमने 1 कप हल्का गुनगुना दूध। इस दूध को हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमने पूरा 1 कप आटे में 1 कप दूध मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। ये वही मलाई है जो कि हम दूध को गर्म करने के बाद उसमें जो मलाई आती है उसी मलाई को हमने निकाल लिया है। ये हम आधा कप मलाई इसमें ऐड करेंगे। जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हम सारा मेजरमेंट ले रहे हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने आटे में मलाई को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है और एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। ये लिया है हमने थोड़ा सा इलायची का पाउडर, इसको भी हम इसे मिक्स कर देते हैं। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। और ये लिया है हमने 1 टीस्पून के आसपास सौंफ का पाउडर, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इलायची का पाउडर और सौंफ का पाउडर जो है वो हमारे मालपुए में बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। मालपुए बनाने के लिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़े देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद अगर हमें और मिल्क की ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे। जब तक हमारा मालपुए का बैटर सेट होता है तब तक हम मालपुए के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये लिया है हमने एक पैन, इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप शक्कर और इसी कप से हम डाल रहे हैं 1 कप पानी। हम इस तरह से चलाते हुए और शुगर को पूरी तरह से पानी में घुलने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए ये इस तरह से हम थोड़ी सी चाशनी को हाथ में लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद इस तरह से हम इसको, ये देखिए, हल्का सा चिपचिपापन आ रहा है। बस हमें मालपुए बनाने के लिए इसी तरह की चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1 पिंच ऑरेंज कलर। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कलर ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। ये देखिए, हमारा मालपुए बनाने के लिए बैटर भी सेट हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें अभी थोड़ी थिक लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ठीक है। हमने इसमें 1 कप दूध और 1 टेबल स्पून दूध जो है ऐड किया है 1 कप आटे के साथ। मालपुए बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने डाला है घी। आप घी की जगह इसे तेल में भी बना सकते हैं, मगर जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें घी में जो उसका स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से हमारे 1 स्पून भरेंगे और बैटर को इस तरह से इसमें डालेंगे। इन्हें सेकते वक्त हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है।
देखिए एक तरफ से हमारा जो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है मालपुआ, अब हमने इसे पलट दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे जो मालपुए हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाएगा। और अब हम इसको चाशनी में डाल देते हैं। हम इन मालपुओं को लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके रखेंगे और उसके बाद हम इसे चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे मालपुए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप भी गर्मा गर्म बनाइए और सर्व कीजिए। ये देखिए हमारे मालपुए सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, मगर आज हम बना रहे हैं रबड़ी मालपुए, तो हम इस पर डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी रबड़ी। हमें इसमें एकदम गाढ़ी रबड़ी का ही यूज करना है। अब हम इस पर करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। तो ये लिए हमने थोड़े से कटे हुए बादाम, इसको हम इस पर डालेंगे। थोड़े से कटे हुए पिस्ता। और ये डालेंगे हम इस पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये देखिए अब हमारे मालपुए बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप रबड़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूं, तो ऊपर आई बटन में इसका वीडियो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां जाकर बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बनाने की रेसिपी को देख सकते हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि ये हमने सिर्फ गेहूं के आटे से तैयार किए हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।